हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगेन वंस अगेन। दोस्तों, आप कई सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते होंगे और कई सारे ड्राई फ्रूट्स आपको कई सारे लोग रिकमेंड भी करते होंगे कि अगर आप इस ड्राई फ्रूट को लेंगे तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे और यह प्रॉब्लम आपके ठीक भी हो जाएगी और कई सारी प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे कि इन प्रॉब्लम्स का समाधान यह ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। पर दोस्तों, यह आपको कोई भी नहीं बताता होगा कि इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी लोग आपको बेनिफिट्स बताते हैं वह कहीं सुनी हुई बातों को या फिर कहीं से थोड़ी बहुत देख लेते हैं उन बातों को अब तक बताते हैं। पर दोस्तों, रियलिटी यही है कि इसके भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्राई फ्रूट कोई भी लोग खा सकते हैं और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बादाम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसी के साथ साथ जानेंगे कि क्या क्या इसके अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं, किन किन लोगों को यह खाना चाहिए और किन बीमारियों और किन पेशेंट को और किन लोगों को यह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना उनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक पूरा सीरीज़ है जिसमें कि हम सारे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन से ड्राई फ्रूट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, किन लोगों को यह खाना चाहिए, किस तरीके से यह खाना चाहिए और किन लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी सीरीज़ आप ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं देखेंगे पूरी सीरीज़ तो आप कई ड्राई फ्रूट्स को गलत तरीके से खाएंगे और काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार भी होंगे। तो दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुंचती रहे। और दोस्तों, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप हमेशा अप टू डेट रहें। चलिए दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू देती हैं। आप जानते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और किन किन डिसीज़ में हम इनको ले सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए। अगर किसी व्यक्ति को याद नहीं रहता है या फिर किसी को भूलने की प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं याददाश्त से रिलेटेड, तो यह आपका डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। और जो खासकर स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी अर्ली स्टेज में हैं, तो वह बादाम को लेंगे तो उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त खोने लगता है, फिर भूलने की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है, उसको भी यह बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। अब बात करते हैं हम सेकेंड बेनिफिट के बारे में, जो कि बोन्स और टीथ को मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि बोन्स को और टीथ को मजबूत रखने के लिए हमें कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। अगर कैल्शियम की कमी होने लगती है तो हमारी बोन्स भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और इसी के साथ साथ हमें टीथ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे कि मसूड़े से खून आना, दांतों का भी झड़ना, दांत का बाहर आना, दांत में कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिससे कि दोस्तों आपको कैल्शियम लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको अपने दांतों को हमेशा स्वस्थ रखना है, अपनी बोन्स को हमेशा स्वस्थ रखना है, तो आप बादाम का उपयोग जरूर कीजिए। थर्ड बेनिफिट आता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनाए रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों पोटेशियम लेवल हाई होता है और इसी के साथ साथ सोडियम लेवल लो होता है, जिसके कारण इसको ब्लड प्रेशर हाई पेशेंट भी बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं और अपना ब्लड प्रेशर तो मेंटेन कर ही सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में दिक्कत आती है, आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता तो इसको ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है और इसी के साथ साथ जो ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में उसमें कोई रुकावट आती है तो उसको भी यह दूर करता है और बॉडी में सर्कुलेशन को अच्छे से बनाए रखता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। इससे आपके फेस में भी ग्लो आता है और आपको पूरे हर एक बॉडी के अंग में इसका फायदा दिखने लगता है। दोस्तों, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उनको बहुत अच्छा पौष्टिक खाने की सलाह दी जाती है, पर उनको पता नहीं रहता है कि क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है। तो उन लेडीज़ को मैं बता देना चाहता हूँ कि बादाम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। प्रेग्नेंट वुमन के लिए तो अच्छा होता ही है, इसी के साथ साथ यह बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पर मैं प्रेग्नेंट वुमन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कई सारी और भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप एक बार बादाम को लेने से पहले, जो जहाँ पर भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जहाँ पर भी आप ओप्स गायनिक के पास जाते हैं, तो आप एक बार उनसे सलाह लीजिए, उसके बाद इसको यूज़ करना शुरू कीजिए। इससे आपको अमेजिंग बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ बेनिफिट की, जो कि कैंसर रिस्क को कम करना। दोस्तों, इसमें फाइबर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आपके पेट में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं या फिर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो यह उस पेट को अच्छे से साफ करने में हेल्प करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी राहत दिलाता है, जिसके कारण आपको कोई भी कॉलन कैंसर होने का खतरा नहीं होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यह ओवरऑल बॉडी में जो भी कैंसरस सेल होते हैं उनको डेवलप नहीं होने देता है और आपके कैंसर रिस्क को भी कम करता है। अब बात करते हैं कि इसको लेने का सही तरीका क्या होता है ताकि यह हमें 100% बेनिफिट दे सके। तो दोस्तों, सबसे अच्छा इसका तरीका यही है कि आप इसको रात को भिगोकर रख दें 5-6 बादाम और सुबह उठ के इसको पील ऑफ करके, मतलब कि इसका छक्कल निकाल कर फेंक दें और जो बचा हुआ अंदर का बादाम होता है उसको खा लें। अब आप लोग बोलेंगे कि छील कर ही क्यों, हम डायरेक्ट बादाम नहीं खा सकते क्या? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब आप छील कर बादाम नहीं खाते हैं तो इसमें जो ऊपर का छक्कल होता है वह इसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देता है और आपको पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आप बहुत दिनों तक बादाम खाते हैं तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं।
तो आप इसको पील ऑफ करके खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत ही जल्द। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन लोग बिल्कुल भी ना खाएं, या फिर जब भी खाएं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही खाएं। पहला है स्टोन। अगर आपको किसी प्रकार की पथरी, चाहे वह किडनी में पथरी हो, गोल ब्लैडर में पथरी हो, फिर किसी प्रकार की पथरी हो, तो आपको बादाम खाने से बचना चाहिए। और अगर आपको बादाम खाना ही है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह के बाद ही खाएं, वरना आपकी पथरी में और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सेकेंड है लूज मोशन। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बार लूज मोशन लगते हैं, हर 2-3 दिन में उसको लूज मोशन हो जाते हैं, फिर पेट गड़बड़ रहता है, तो आप इसको बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको लूज मोशन की समस्या बढ़ सकती है और आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। थर्ड है रेगुलर मेडिसिन। दोस्तों जो भी लोग रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, चाहे वह बीपी की हो, डायबिटीज़ की हो, थायराइड की हो, या फिर अन्य किसी प्रकार की बीमारी की वह रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, तो पहले वही अपने डॉक्टर से सलाह लें कि हम बादाम को खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, उसके बाद ही बादाम का उपयोग करें, वरना आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आपका फैट बहुत बढ़ा हुआ है, फिर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको बादाम से खाने से बचना चाहिए, वरना आपका मोटापा और ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। अभी भी आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक देना बिल्कुल ही मत भूलिए, और इसी के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुँचती रहे और हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए दोस्तों अगली अमेजिंग वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।